नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं परमेंद्र। तो क्या अडानी समूह का जो सीमेंट फैक्ट्री बार्सलीगंज में स्थापित हो रहा है उस पर किसी प्रकार का संकट आने वाला है? हम ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि आपको जानकारी है कि पहले से ही, शुरुआती चरण से ही, जब से ये हुआ था कि बार्सलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना होगी, कहीं ना कहीं एक विरोधाभास खड़ा हुआ था और कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी होता रहा था। और अब ये मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गई है और इसमें कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए इस सीमेंट फैक्ट्री का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है या जो स्वीकृति मिली है उसे रद्द करने की, रोकने की मांग की गई है। अब केस में कितना मेरिट है नहीं है वो तो जब हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता दें कि पूरा मसला है क्या। आपको पता है ही कि बार्सलीगंज का जो चीनी मिल परिसर था, कभी बार्सलीगंज में चीनी मिल का कैंपस हुआ करता था। चीनी मिल 90-92 की पेराई सत्र के बाद बंद हो गया था। उसके बाद कुछ वर्षों पूर्व उसकी जो भूमि है चीनी मिल की, वो बियाडा को दे दिया गया था। बियाडा ने उस जमीन को हस्तांतरित कर दिया अडानी समूह को अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना के लिए। करीब 1600 करोड़ रुपया की बात सुन रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात है उसमें, चर्चा जो भी है। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। तो इस सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 3 अगस्त 2024 को किया गया। वैसे यह कार्यक्रम 29 जुलाई 2024 को ही होना था, मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस दिन नहीं आ पाए थे। तबीयत नासाज होने की बात कही गई थी और उसके बाद वो 3 अगस्त को आए। ज़्यादा समय उन्होंने नहीं लिया, 2-4 दिन के अंतराल पर वो आ ही गए मुख्यमंत्री जी। लेकिन 29 जुलाई को जो अडानी समूह के, चूंकि पुरोहित वगैरह सब आ गए थे, सारी तैयारी हो गई थी, तो 29 जुलाई को जो है सो भूमि पूजन वगैरह कर दिया गया था अडानी समूह के द्वारा। 3 तारीख को जब मुख्यमंत्री आए थे तो जो एक औपचारिकता होती है वो सारा, 3 अगस्त को जब मुख्यमंत्री आए थे तो अन्य औपचारिकता हुआ उसमें। अभी आलम यह है कि चीनी मिल का काम दिन रात किया जा रहा है, एक करके किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले हम रात्रि में गुजर रहे थे क्यूल की तरफ, तो ट्रेन से जब गुजर रहे थे तो हमने देखा कि बार्सलीगंज चीनी मिल फैक्ट्री में बड़ा बड़ा हैलोजन लाइट और रात में भी काम चल रहा है। अब बात इस पे आते हैं कि जो कौन है पिटिशनर और उन्होंने क्या क्या आपत्तियां उठाई है जो हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल किया गया और केस की वर्तमान स्थिति क्या है। तो इस केस के पिटिशनर है कोई निरंजन सिंह, जो कि संभवतः बार्सलीगंज प्रखंड के मालीचक गांव के हैं। ऐसे अब ये कह सकते हैं कि चीनी मिल परिसर का जो बाउंड्री है उससे सटे गांव के हैं। चीनी मिल अब जो कि अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री परिसर हो गया, उसके चार दीवारी से सटे हुए गांव मालीचक के निरंजन सिंह हैं। और उनके अलावा उस पिटीशन में और भी बहुत सारे इलाकाई किसान वगैरह शामिल हैं। इनका ये कहना है कि ये जो सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है पूरी तरह से घनी आबादी और शहरी क्षेत्र में की जा रही है। शहरी क्षेत्र है और घनी आबादी का क्षेत्र है, बात में दम भी है, ये बात तो है। दूसरा इनका ये कहना है कि जब ये घनी आबादी के क्षेत्र में जब इस मिल की, इस फैक्ट्री की स्थापना होगी तो उसे गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ेगा। और तीसरा यह है कि जो स्थापना के लिए पब्लिक की तरफ से जो क्लीयरेंस लिया गया था उसमें बहुत झोल झाल किया गया था, आम ग्रामीणों से इसमें कोई सहमति नहीं ली गई थी, पेपर वर्क सिर्फ किया गया था, ग्राउंड जीरो पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। और जो क्लीयरेंस लिया गया था, क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, पब्लिक से अनापत्ति, उसमें मौसमा पंचायत के नाम पर लिया गया था, जबकि ये जो परिसर है जहां फैक्ट्री स्थापित की जा रही है वो नगर परिषद क्षेत्र का के अंतर्गत आता है, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। मौसमा ग्राम पंचायत का तो कोई लेना देना ही नहीं पूरे परिसर से है, उसकी कोई जमीन भी नहीं है,
इसलिए एक तरह से गलत तरीके से ये खाना पूर्ति की गई है, गलत तरीके से ये सारा क्लियरेंस लिया गया है। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हो सकता है अगर ये सत्य है तो। इसके अलावा और बहुत सारी आपत्तियां उठाई गई है। आपत्तियां में मतलब जो उसमें डाला गया है उसमें एक चीज ये भी डाला गया है, नगर पालिका जो नगर परिषद है वहां का वार्षिक, उसके द्वारा भी ऑब्जेक्शन किया गया था कि यहां पर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के नगर परिषद वार्षिकगंज में 1 मार्च 2024 को एक बोर्ड की बैठक हुई थी और बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि इस निर्माण कार्य को रोका जाए और उसका पत्राचार लेटर नंबर 308 है दिनांक 27/5/2024 को कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद के द्वारा जिला पदाधिकारी नवादा से किया गया था और सरकार से कि ये जो सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है इसको रोका जाए। अब इस खेल में इसमें जो पिटीशन है याचिकाकर्ता है CWJC केस नंबर हम आपको बताते हैं CWJC 17412/2024 दिनांक 17/4/12 CWJC है दिनांक 24/10/2024 ये केस फाइल हुआ है। इसमें अंबुजा सीमेंट लिमिटेड बिहार औद्योगिक विकास परिसर जो भी है बियाडा, फिर DM नवादा, नगर परिषद बारसलीगंज और बिहार सरकार के उद्योग मंत्रालय वगैरह को इसमें पार्टी बनाया गया है। इसमें पूरे खेल में एक शामिल हैं डॉक्टर सुधांशु सुल्तानिया नाम है, वो बार्सिलियन के ही मूल निवासी हैं लेकिन रहते फिलहाल शायद दिल्ली में हैं। वो भी इसमें कहीं ना कहीं बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। सुधांशु सुल्तानिया का कहना है कि हमने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को से एक RTI फाइल किया था और उसमें हमने पूछा था कि क्या नवादा जिले के बार्सिलीगंज में अडानी समूह के द्वारा कोई सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की जा रही है और उसका पर्यावरणीय स्वीकृति या जो भी अनापत्ति लिया गया है या नहीं लिया गया है। चूंकि इनका सुधांशु सुल्तानिया का कहना है कि जहां भी एक मिलियन टन से अधिक का सीमेंट का उत्पादन होगा वहां फैक्ट्री स्थापित करने के पूर्व जो है सो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। चूंकि RTI के जवाब में सरकार ने दिया है कि ऐसा कोई फाइल मेरे पास नहीं है, कोई आवेदन आया नहीं है, मंजूरी नहीं ली गई है। तो सुधांशु सुल्तानिया भी इसमें एक बड़ा भूमिका अदा कर रहे हैं। मोटा मोटी तौर पर यह है कि बार्सिलीगंज के आम लोग नहीं चाहते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हो। बार्सिलीगंज के लोगों की डिमांड, चूंकि कृषि प्रधान इलाका है तो बार्सिलीगंज लोगों की डिमांड थी कि यहाँ कृषि आधारित ही या तो चीनी मिल ही हो जाता, आधुनिक तकनीक का चीनी मिल, नहीं तो गन्ना आधारित दूसरी खेती या कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट कुछ और लग जाता तो ज़्यादा बेटर होता, ज़्यादा लाभान्वित लोग होते। इससे क्या होना है, किसानों की तो ये भी आपत्ति है कि कम से कम 8-10 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के सेहत पर तो प्रभाव पड़ेगा, खेती कृषि कार्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, कुप्रभाव पड़ेगा, मतलब जमीन हमारी बंजर हो जाएगी, किसान लोगों का ये भी आपत्ति है। तो ले दे करके मतलब आम लोग नहीं चाहते हैं। इसको लेकर के शुरुआती दौर से ही प्रोटेस्ट हुआ था, उस वक्त चीनी मिल का बिल्डिंग ही था तो उस दौरान वहाँ पर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था जब बात आई थी कि अडानी समूह को दिया जा रहा है सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना के लिए। इसके अलावा एक बात और आई थी कि फिर जो 29 जुलाई को शिलान्यास होना था तो उसके पहले किसान संघर्ष समिति के द्वारा एक बंद का आह्वान किया गया था बार्सिलीगंज का 27 जुलाई को, 27 जुलाई को स्वतः स्फूर्त बंद भी रहा था बार्सिलीगंज। उसके बाद बावजूद सवाल है कि उद्योगपति हैं तो उनकी बात तो अपनी, उनके काम करने का अपना तरीका होता है, किसान के प्रोटेस्ट करने का अपना तरीका, किसान की सुनवाई नहीं हुई तो ये लोग उसी में से कुछ लोग चले गए हैं हाईकोर्ट चले गए हैं लोकहित याचिका का। और लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता देते हैं क्या है कि 18 नवंबर को केस की लिस्टिंग हुई थी, सुनवाई होनी थी लेकिन संभवतः वो बेंच उस दिन नहीं बैठ पाया किसी भी कारणों से, कतिपय कारणों से, इसलिए अब सुनवाई नहीं हो पाई, आरंभ नहीं हो पाई है और जल्द ही कोई नया डेट इस पर मुकर्रर होगा और उसके बाद उसमें सुनवाई आगे की शुरू होगी, मतलब सुनवाई शुरू होगी, उसमें जो भी है केस खुलेगा। तो कहने का आशय ये है कि ले दे करके वहाँ के लोकल किसान, प्रभावशाली तबके के जो लोग हैं उनकी बात अलग है लेकिन ले दे करके जो किसान तबका के लोग हैं, आम लोग हैं, वो कतई नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर चीनी मिल की बजाय
सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना। तो देखिए आगे आगे होता क्या है दोस्तों, जैसे ही कुछ और अपडेट्स इस पर आएगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक अपील की अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।